नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज हम बात करने वाले हैं देसी मुर्गी को पालने में, ये फ्री रेंज में पालते हैं या फार्म के अंदर पालते हैं, उसमें क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, ये हम आज के वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। अगर आप जो भी देसी नस्ल को फार्म के अंदर पालते हैं तो सारे न्यूट्रिशन देने के बाद जितने भी उनको घटक चाहिए है वो सारे अगर फार्म के अंदर उपलब्ध कराते हैं तो शायद ये एक दूसरे पर हमला ना करें या एक दूसरे की पूंछ खींचना, स्ट्रेस में आके जो मुर्गी एक दूसरे को घायल करती है ये शायद ना करें। और अगर आप घर का दाना या घर का फीड फार्म के अंदर रख कर दे रहे हैं तो आपको बहुत शिकायत देखने को मिलेगी कि एक भी मुर्गियों की पूंछ सलामत नहीं रहेगी और ये एक दूसरे को घायल करती हैं, और वो उस हद तक घायल करती हैं कि ये शायद एक दूसरे को खा भी लें। मगर फ्री रेंज में ये सब चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये देखिए आप, ये इनका स्ट्रक्चर, इनकी पूंछ और इनका जो उछल कूद करने का तरीका है वो आप देखिए। हमने सुबह सुबह जैसे ही फार्म से निकालते हैं तो ये हमारा किचन से जो वेस्टेज निकलता है हम वो डाल देते हैं, और ये सारी मुर्गियां आके, ये देखिए आप, ये किचन का वेस्टेज है, जो बची हुई घर की दाल सब्जी है वो हम सुबह के समय में दे देते हैं। और फिर उसके बाद जो है इनको जब दोपहर हो जाता है, दोपहर का समय हो जाता है तो 2-3 घंटे लगभग समय निकल जाए। फिर उसके बाद ये देखिए, हमने जिस गंज में चावल पकाया था तो इस चावल को भी हम रख देते हैं। जितने तरीके से हम गंज को साफ़ करेंगे ये मुर्गियां बेहतर ढंग से साफ़ करती हैं। तो जिस चमचे में हम चावल को खूटते हैं वो भी, और जिस गंज में पकाते हैं हम वो भी, और ये हमारा पका हुआ चावल हम एक खाद की बोरी में बिछा के ठंडा कर देते हैं। ये अब हमने दोपहर के समय में मुर्गियों को डाल दिया, तो ये हम 2-3 किलो चावल पका लेते हैं, इसमें 50 ग्राम नमक और 50 ग्राम हल्दी पाउडर मिला देते हैं, इसको ठंडा करके फिर हमारी मुर्गियों को हमने यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये बहुत शौक से खाती हैं, आप ये देखिए ये सारी मुर्गियाँ जो हैं इस चावल को खाने में लग गई हैं, और ये कहीं इधर उधर दौड़ के अब जाने वाली नहीं है जब तक के चावल ख़त्म ना हो जाए। यहाँ तक के चावल ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी ये काफ़ी समय तक यहाँ पर इंतज़ार करती हैं कि शायद कुछ और बच गया हो। तो इस प्रकार से इनका दोपहर का समय हो गया, और दोपहर के बाद फिर ये जब पूरा चावल खा लेंगी तो फिर ये जो हमारा सामने दिख रहा है मैदान जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं इसकी छाँव में चली जाएंगी। तो हमने छाँव में जो है इनको पीने के लिए पानी, ठंडा पानी रोज़ उपलब्ध करा देते हैं हम, 2 बकेट में भर देते हैं 2 तसलों में। तो जब भी ये पेड़ों के नीचे कीड़े मकोड़े घास खाती हैं, पत्तियां खाती हैं, तो उसके बाद जब इनको पानी की आवश्यकता होती है तो पेड़ के नीचे ठंडा पानी हम रख देते हैं, तो उसी पानी को ये पीते रहती हैं। अब इन्होंने जो दोपहर में हम चावल देते हैं वो चावल खाने के बाद अब ये निकल जाएंगी हमारी, ये देखिए आप यहाँ आ गई। तो यहाँ पर मुरिंगा के पेड़ हैं और गन्ने के पेड़ हैं, उनको गिरा के बैठी हूँ। ये हमने जो ठंडा पानी रखा है ये ठंडे पानी को अब ये वहाँ से आके पी रही हैं, और ये दिन भर यहाँ उपलब्ध पानी रहता है। तो जब भी इनका दिल करता है, जब मन करे, जब प्यास लगे, तो इनको ठंडा पानी दिन भर हम यहाँ उपलब्ध करा देते हैं। और जब ये पानी भी पी लेंगी तो ये ऊंचाई में बैठना पसंद करेंगी। ये देखिए कुछ गन्ने के पेड़ हैं उसमें बैठी हैं, हमने एक लकड़ी बांध दी है ऊपर चढ़ के उसमें बैठी हैं। तो इनको जब पेट भर जाता है तो ये ऊंचाई में बैठना ज़्यादा पसंद करती हैं, और बहुत कम देखा जाता है कि ये फिर घूमें, बहुत कम मुर्गियाँ घूमेंगी, 10 या 15% जो मुर्गियाँ हैं वही घूमते मिलेंगी, और बाकी फिर ये कुछ तो फार्म के अंदर आ जाती हैं। ये है इनका रात का आशियाना, और दिन में भी जब ये भूख लगती है या प्यास लगती है या बाहर इनको चाहिए होता है वो नहीं मिलता है तो ये फार्म के अंदर आ जाती हैं। तो हमने फार्म के अंदर पानी और दाना लगा के रखा है, हम घर का ही फीड देते हैं और पानी भी ऑटोमेटिक वहाँ इनको मिल रहा है, तो वहाँ जाके ये पानी पीती हैं, फिर ये बाहर दौड़ के फिर बाहर निकल जाती हैं। तो ये दिन भर इस तरीके से ये सिलसिला चलते रहता है, और जब भी हमें ऐसा कुछ घर से वेस्टेज निकलता है, कुछ निकलता है दोपहर के बाद भी, तो हम ला के डाल देते हैं, तो ये खाते रहती हैं आराम से, और इस प्रकार इनका पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो चलते रहता है।
तो फ्री रेंज में मैंने अब तक ये समझा है कि लगभग हमें 50% 40-50% तो बहुत इत्मीनान से फीट की बचत हो जाती है, मगर फ्री रेंज जो एरिया है वो बिल्कुल कवर्ड हो, जंगली जानवरों से कोई नुकसान ना हो, तभी फ्री रेंज का मज़ा है। नहीं तो हमने क्या किया कि 400 या 200 रुपए का फीट बचाने के लिए हमने दो तीन मुर्गी खो दिया। यानी आप अगर मान लीजिए कि 300 का भी एक बर्ड पकड़ के चल रहे हैं, तो हमने 400 बचाने के लिए 900 का नुकसान कर लिया। इस प्रकार से हमें जो है पूरा एरिया कवर करके रखना है, तब फ्री रेंज में छोड़ना मुर्गी ठीक होगा। और फ्री रेंज का एक और बहुत अच्छा मज़ा है कि अगर आप सारे न्यूट्रिशन और सारे घटक अगर फार्म के अंदर दे रहे हैं, मगर फ्री रेंज में जो आपको मुर्गा या मुर्गी के अंदर टेस्ट मिलेगा खाने में, जब हम इसको खाएंगे तो वो एक अलग चीज़ और अलग एहसास होगा फ्री रेंज का आपको। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। देसी मुर्गी या फ्री रेंज फार्मिंग से संबंधित हम नई नई जानकारी, नए नए वीडियो डालते रहते हैं। और जो जिन दोस्तों को जो नए हैं उनको ये पता नहीं है कि हम RIR चूज़ों पर, RIR देसी मुर्गी पर 1 दिन से 60 दिन तक के सभी वीडियो हर दिन डालते हैं, जिसमें हमने 1 दिन से लेकर 16 दिन तक के सारे वीडियो डाल चुके हैं। किस दिन क्या क्या देना है, कब विटामिन, कब मिनरल देना है, कब वैक्सीन करना है, कब मल्टीविटामिन देना है, ये सारी जानकारी हमारे चैनल में उपलब्ध है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। नमस्कार।